जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी टेक्नीशियन के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां मैक्सिमम जहां बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन स्वाभाविक है कि अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट किए हैं तो धीरे धीरे आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा। और किस किस बात पर कन्फ्यूजन होता है तो स्पेशली यही, इसी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हम दिए हुए हैं और उस पॉइंट को बारी बारी से आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि ये बेहद आपके लिए उपयोगी हो सकता है जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है। तो हम चलते हैं, बिना टाइम गंवाए हुए हैं इसके पॉइंट पर हम आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट है कि 1 ईयर वाले को मान्यता है कि नहीं एएलपी टेक्नीशियन के लिए। तो 1 ईयर में जैसे डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, इनको एएलपी के लिए 100% मान्यता है। लेकिन इसी में 1 ईयर में जो वेल्डर ट्रेड वाले हैं वो सिर्फ टेक्नीशियन पोस्ट भर सकते हैं, एएलपी का पोस्ट नहीं भर सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, 1 ईयर वाले कैंडिडेट को कंफ्यूज नहीं रहना है। इसके अलावा हम देखेंगे एससीबीटी को मान्यता है कि नहीं, यानी कि एससीबीटी से जो बच्चे पास किए हैं वो एएलपी अथवा टेक्नीशियन में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। 100% ये स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, कहीं पर भी इनको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, दोनों एएलपी अथवा टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा है कि +2 पीसीएम वाले भर सकते हैं कि नहीं। +2 पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिनका +2 में रहा है यानी इंटरमीडिएट में रहा है, वो एएलपी अथवा टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। निश्चित रूप से एएलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन में पीसीएम वालों के लिए अलग से 2 पोस्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3। ये दोनों पोस्ट को पीसीएम वाले कैंडिडेट भर सकते हैं और एएलपी टेक्नीशियन के साथ ही इनकी भी वैकेंसी आती है। और इसके अलावा अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, अथवा फाइनल ईयर आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो रेलवे में इस बात को आप मान लीजिए कि रेलवे में अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है। आपको फॉर्म भरने का जब अंतिम तिथि है, जब निकलेगी, तो उसके पहले तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट आ जाता है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावे सिविल वाले भरेंगे कि नहीं, जिनका डिप्लोमा या बीटेक में सिविल है वो एएलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा एएलपी के लिए विजन का स्टैंडर्ड क्या है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे रेलवे में एएलपी और गार्ड 2 ऐसा पोस्ट है जहाँ की विजन का स्टैंडर्ड मैक्सिमम रहता है, यानी कि A1 मेडिकल आपको विजन का देना पड़ेगा। और वहाँ A1 का मतलब होता है विजन के स्टैंडर्ड का कि 6x6 आपका आई होना चाहिए। इसलिए जो भी स्टूडेंट एएलपी की तैयारी करते हैं सबसे पहले अपनी आँख को जाँच करवा लें कि कहीं सीवी तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भारी दिक्कत हो जाएगी। और 6x6 आपका विजन है कि नहीं है। अगर 6x6 विजन नहीं है तो जब भी वैकेंसी निकलेगी, एएलपी की वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पोस्ट ऑफ प्रायोरिटी में टेक्नीशियन को आप पहले रख दीजिएगा, एएलपी को बाद में रख दीजिएगा, तो काम चल जाएगा। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका काम चल जाएगा, एएलपी के लिए आपका काम नहीं चलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर आईटीआई करते हैं तो वैकेंसी पकड़ाएगी कि नहीं, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे बच्चे लगातार आते हैं कि सर अगर आईटीआई अभी हम कर लें तो आने वाली वैकेंसी पकड़ में आएगी कि नहीं, या फॉर्म हम भर सकेंगे कि नहीं। ये तो कोई नहीं बता सकता है कि वैकेंसी इसकी कब आएगी, रेलवे की एक्चुअल स्थिति क्या है। एक उम्मीद है, एक संभावना है कि फर्स्ट क्वार्टर अथवा मार्च अप्रैल, मार्च से लेकर जून के बीच में कभी भी वैकेंसी आ सकती है। मे बी ये जो स्टूडेंट 1 साल का कोर्स अभी कर रहे हैं या करना चाहते हैं 22-23 में, अगर अगस्त सितंबर के बाद वैकेंसी आएगी तो ही आपका पकड़ में आएगा। 2 साल वाले का तो निश्चित रूप से नहीं पकड़ में आएगा, तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा सा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जितनी भी अच्छी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि मैक्सिमम वैकेंसी रेलवे में इस तरह का हो गया है कि जो कि आईटीआई बेस्ड हो गया है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, वहाँ पर आपका आईटीआई अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा आईटीआई बेस पर हम बोलें तो अभी इसके अलावा आप देखेंगे मेट्रो, जितने भी स्टेट का अलग अलग मेट्रो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट है आपका, सब जगह आईटीआई बेस्ड वैकेंसी आते रहती है। डीआरडीओ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल गेल सेल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है,
इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिशियन हमारा रखते हैं तो वहाँ पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी UPPCL अलग अलग स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वैकेंसी आते रहती है। कहने का ये मतलब है कि ITI अगर आप किए हुए हैं तो आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो स्टूडेंट खास करके जिनका एज 23-24-25 है, 23-24-25 तक है, तो वो अगर चाहें तो कोशिश पहला प्रायोरिटी में होना चाहिए कि 2 साल का हम ITI करें। 2 साल में इलेक्ट्रिशियन या फीटर, दो में से कोई भी आप चूज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर इस दोनों में भी कहेंगे तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिशियन फीटर से भी अच्छा रहेगा, हालांकि दोनों अपने आप में अच्छा है। तो अगर आप अभी तो आपका 22-24 सेशन में एडमिशन हो रहा है, तो अगर चाहें तो जहाँ पर भी आपको सुविधा मिलती है, प्लेटफॉर्म में भी ये सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ अभी आप ITI में एडमिशन ले करके, क्योंकि समय कैसे बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि ITI हमारा पूरा होते होते तैयारी हमारी पीक पे रहे, हमको बैठना बिल्कुल नहीं पड़े, क्योंकि अच्छे से तैयारी करने में भी आपको 1 साल से 2 साल का समय लगता ही लगता है। इसलिए आपका रणनीति यही होना चाहिए, खास करके नए बच्चे जो इस बार ITI पास आउट हुए हैं या जो ITI करना चाहते हैं, उनके लिए हम खास करके बता रहे हैं कि रणनीति आपकी ये होना चाहिए कि ITI में जो इस बार 12th या 10th पास किए हैं, कहीं पर एडमिशन हम ले लिए और वैसे जगह पे एडमिशन ले लिए जहाँ क्लास करने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं है, और यहाँ आप 8 से 10 महीने का नॉन टेक का कोर्स और 6 महीने का टेक्निकल का कोर्स होता है आपका ट्रेड का, तो 8 से 10 महीने में दोनों पेपर आपका समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 4 से 6 महीना आगे चल करके प्रैक्टिस भी आप कर पाएंगे। यानी कि वही उद्देश्य की पूर्ति कि ITI पूरा होते होते हमारा तैयारी पीक पर है, हमको बैठना नहीं पड़े। तो ये रणनीति से आप काम अगर करते हैं तो आप टाइम का मैक्सिमम यूज हो जाएगा और ये डिग्री भी आपके लिए पूरी तरीके से सफल रहेगी डिग्री लेना, क्योंकि यहाँ आपका पैसा भी खर्च होता है। अभी 2 साल का ट्रेड कीजिएगा तो मिनिमम यहाँ से जो हो रहा है 23,500 लग रहा है और डाउन पेमेंट में इंस्टॉलमेंट में इसी का 26,500 लग रहा है। तो अन्य जगह हो सकता है कि आपको अलग अलग इसका फी लिया जाता है, तो जिनको जरूरत हो यहाँ से भी कर सकते हैं और जहाँ सुविधा मिले वहाँ से भी कर सकते हैं। तैयारी आपका ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में दोनों तरह से होती है। अभी ऑनलाइन का कल 13 तारीख से हमारा कई सारा ट्रेड का बैच स्टार्ट है, 16 तारीख से ALP टेक्नीशियन के लिए नॉन टेक का बैच स्टार्ट है और ये सारी बैचें 6 से 8 महीने तक चलेगी मिनिमम, और यही बैच ऑफलाइन मोड में भी स्टार्ट है। जो बच्चे यहाँ आकर के तैयारी करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, तो या जहाँ कहीं भी सुविधाएं मिलती है आप कर सकते हैं, लेकिन अभी से आपको लगना होगा तैयारी में। और जिनका ITI हो चुका है, जो जिनको इस बार एग्जाम ALP टेक्नीशियन का देना है, तो अगर मार्च अप्रैल में वैकेंसी आएगी तो 3-4 महीने के बाद उसका एग्जाम हो जाएगा, तो अभी से तैयारी करेंगे तो 8 महीने 10 महीने का समय मिलेगा तैयारी, तब तक में पूरा पीक पे आपका रहेगा और बेहतर प्रैक्टिस भी आप इस बीच में कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी रणनीति को अपना बना करके काम चलना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा तो मे बी कि आपको थोड़ा परेशानी बढ़ जाए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन बहुत अभी आसान नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार भी अच्छा खासा आना है, ठीक ठाक आना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको कोशिश करना है, किसी भी सूरत में आपका मिस नहीं होना चाहिए। ITI किए हैं तो पूरी तरीके से आपके डिग्री का यूज होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।